हेलो फ्रेंड्स, आई मुस्तफ़ा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नए फीचर के बारे में कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड ऐप में नया फीचर क्या है और कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये ऑनलाइन असिस्टेंट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐप के थ्रू आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने एसबीआई कार्ड का ऐप अपडेट नहीं किया तो प्ले स्टोर से पहले अपडेट कर लीजिएगा, तभी जाके ये ऑप्शन आपको रिफ्लेक्ट होएगा। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं इस वीडियो में कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड ऐप में नया फीचर क्या है और करते हैं इसका पूरा रिव्यू स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम एसबीआई क्रेडिट कार्ड ऐप को ओपन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम एसबीआई क्रेडिट कार्ड को लॉगिन कर रहे हैं तो सबसे पहले साइनअप पे जाके आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल एंटर करके कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, CVV डाल के आप इसमें फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर सकते हैं। देन इसके बाद आप यूज़र आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। मैंने इसमें ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ था, जस्ट मैंने इसको लॉगिन कर लिया। और लॉगिन करने के बाद आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखेगा ईला का बटन, ईरा। और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ये 3 लाइन के पास यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको ईला करके न्यू आएगा, ईरा। तो ये बेसिकली ऑनलाइन असिस्टेंट है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट, पिन क्वेरी, काफ़ी सारी ऑप्शंस है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, व्यू स्टेटमेंट है, व्यू ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, चेंज पिन है, बुक फ्लेक्सिबल पे है, बुक बैलेंस ट्रांसफ़र है, पे यूटिलिटी, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक ऑप्शन में से करके दिखा देता हूँ। अगर आप व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका स्टेटमेंट है यहाँ से क्लिक कर लीजिए, और जो भी आपका स्टेटमेंट था लास्ट वो आपको यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी स्टेटमेंट आपकी दिख रही है। और उसके बाद अगर आप डिटेल स्टेटमेंट पर क्लिक करोगे, मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ, तो डिटेल वाइज आपकी स्टेटमेंट ओपन हो जाएगी, किस डेट में क्या ट्रांजेक्शन हुआ था, क्या आपने पेमेंट किया था, सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका डेट वाइज ट्रांजेक्शन आ रहा है डिटेल में, ये रहा। और इसके बाद अगर आपको पिन चेंज करना हो तो उसके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए चेंज पिन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से, तो इसके बाद आपको 2 ऑप्शन पूछेगा। ये देखिए, अपडेट पिन थ्रू मोबाइल ऐप और अपडेट थ्रू ईला। तो हम ईला पे कर रहे हैं तो आपको नीचे वाले पे क्लिक करना है यहाँ से, जो कि ऑनलाइन असिस्टेंट है, यहाँ से मैं अपना पिन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे करने के बाद आपको एक OTP का ऑप्शन आएगा, आपके रजिस्टर नंबर पे एक OTP जाएगा और वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं OTP यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। OTP एंटर करने के बाद आपको सबमिट कर देना है, तो मैंने OTP यहाँ पे एंटर कर दिया है और यहाँ से कर देंगे सबमिट। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा नया पिन बनाने के लिए, तो जो भी पिन आप बनाना चाहते हैं 4 डिजिट का वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ से आप एंटर कर लीजिए, और एंटर करने के बाद नीचे आपको री एंटर करना है सेम पिन, यहाँ से आप री एंटर कर लीजिए और उसके बाद आपको कर देना सबमिट। यहाँ से सबमिट करने के बाद आपका जो 4G का पिन था बन जाएगा। यहाँ पे देखिए शो रहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पिन बन गया है। और उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि अपडेट मोबाइल नंबर, ईमेल का भी ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप बिल वगैरह पे करना चाहो क्रेडिट कार्ड का, तो उसके लिए भी ऑप्शंस है। यहाँ पे आप पे बिल पे जाके अपना क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह पे कर सकते हो। और चलिए इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हो तो टाइप करने के बाद भी अगर कोई भी क्वेरी है, वो क्वेरी अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे उसके लिए भी आपको यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ व्हाट इज़ माई लास्ट पेमेंट, तो जो भी मेरी लास्ट पेमेंट की डिटेल थी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप कुछ सर्च ना भी करना चाहो डायरेक्ट टाइप कर सकते हो। ये देखिए मेरी जो पेमेंट डिटेल है यहाँ पे आ गई है। तो अगर कुछ भी टाइप करते हो, जो भी क्वेरी होगी उससे भी आपको यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइप करता हूँ माई रिवॉर्ड पॉइंट, यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ माई रिवॉर्ड्स पॉइंट, तो जो भी मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे पर्टिकुलर कार्ड के। तो ऊपर ऑलरेडी कार्ड सेलेक्ट है, तो इस कार्ड के रिगार्डिंग जो भी मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे शो हो रहे हैं कि इतने रिवॉर्ड पॉइंट मेरे इस कार्ड के। तो फ्रेंड्स, अगर आप सर्च ना भी करना चाहो, कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हो, जो भी क्वेरी है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा और डायरेक्ट आप ऑनलाइन असिस्टेंट ले सकते हो। आपको कस्टमर केयर में कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक नया फीचर ऐड हुआ है इस पे SBI क्रेडिट कार्ड ऐप में। और अभी ये किसी क्रेडिट कार्ड ऐप में अभी तक नहीं आया, ये ओनली SBI क्रेडिट कार्ड ऐप में है, तो काफ़ी अच्छा फीचर है फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये था रिव्यू SBI क्रेडिट कार्ड ऐप के नए फीचर्स के बारे में। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं इसका रिप्लाई करूँगा।
फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे रेड कलर का बटन है इसको प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सको, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।